हे गाइस, वेलकम टू हंस टेक। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मोटोरोला के बारे में। सो गाइस, मोटोरोला ने आज अपने 3 न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए है, जो मोटो G6, मोटो G6 प्ले और मोटो G6 प्लस है। सो कई यूजर को इनका बेसब्री से इंतजार था कि कब मोटो के फोन्स इंडियन मार्केट में आएंगे, बट ये ब्राजील में लॉन्च हुए हैं और इंडिया में ये जल्दी आएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और बताऊंगा कि ये इंडिया में कब तक आएंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम मोटो G6, G6 प्ले और G6 प्लस की डिस्प्ले के साइज के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, जो मोटो G6 उसमें आपको 5.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिलती है, जिसपे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है बैक और फ्रंट साइड में। सो गाइस, जो G6 प्ले है उसपे आपको 5.7 इंचेस की मैक्स विजन डिस्प्ले मिलती है, जो एचडी प्लस डिस्प्ले है। जी हाँ, आपको फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले इसमें नहीं मिलती G6 प्ले में। सो गाइस, जो G6 प्लस है उसपे आपको 5.9 इंच की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिलती है, इसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है फ्रंट और बैक साइड। सो गाइस, अब बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। सो गाइस, जो मोटो G6 है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 450 वाला प्रोसेसर मिलता है। सो गाइस, जो मोटो G6 प्ले है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 430 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो गाइस, जो मोटो G6 प्लस है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 630 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज की, स्टोरेज और रैम की। सो गाइस, जो मोटो G6 है उसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक 3GB, 4GB, 32GB, 64GB, यानी कि आपको एक 3GB 32GB मिलता है, एक 4GB 64GB मिलता है। सो गाइस, रही बात G6 प्ले की, उसमें भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक 3GB रैम 32GB स्टोरेज, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज। सो गाइस, अब बात करते हैं मोटो G6 प्लस की। जो मोटो G6 प्लस है उसमें भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक 4GB 64GB, एक 6GB 128GB। बात करते हैं मोटो G6, G6 प्ले और G6 प्लस के कैमरा के बारे में। सो गाइस, जो मोटो G6 है उसमें आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, एक 12 मेगापिक्सल का, एक 5 मेगापिक्सल का। जो 12 मेगापिक्सल का उसमें आपको एपरेचर साइज f1.8 का देखने को मिलेगा, और जो 5 मेगापिक्सल का वो डेप्थ इफेक्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। सो गाइस, जो इसमें फ्रंट कैमरा मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जिसके साथ आपको सेल्फी लाइट भी देखने को मिलेगी। सो गाइस, जो मोटो G6 प्ले है उसमें आपको 13 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ कैमरा मिलेगा, और जो दूसरा कैमरा मिलेगा रियर की साइड वो 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। सो गाइस, इसमें भी आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसके साथ आपको LED फ्लैश मिलेगी, 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलेगा। सो गाइस, इसके बाद जो मोटो G6 प्लस है उसमें भी आपको 12 मेगापिक्सल का f1.7 वाला अपर्चर दिया गया है, और जो सेकंड कैमरा है उसमें भी आपको 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया, जो डिप्थ इफेक्ट लाने में आपकी मदद करेगा, और ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करेगा, और इसमें ऑटो फोकस, डुअल पिक्सल जैसे फंक्शन दिए गए हैं। सो गाइस, इसमें भी आपको जो सेल्फी कैमरा मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, जिसके साथ आपको LED फ्लैश देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। सो गाइस, जो मोटो G6 है उसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है, जो टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट करती है, और इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं मोटो G6 प्ले की। जो मोटो G6 प्ले है उसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट ये कन्फर्म नहीं है कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता। सो गाइस, अब हम बात करते हैं मोटो G6 प्लस की बैटरी के बारे में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें 3200 की बैटरी देखने को मिलती है, जो USB टाइप सी पोर्ट के साथ आएगी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी, और तीनों ही फोनों में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है फ्रंट की साइड, जो आपको काफ़ी एक्यूरेट होगा और काफ़ी मदद करेगा फोन को आपको फ्रंट की साइड फिंगरप्रिंट चलाने में। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके एंड्रॉयड वर्जन की। जो तीनों फोनों में हमें एंड्रॉयड वर्जन 8.0 ओरियो देखने के लिए मिलता है, और ये दो तीनों ही फोन की जो 4G वोल्ट ही सपोर्ट करेगा, और ये इसमें आपको ब्लूटूथ 5 का फंक्शन दिया जाएगा, और फेस अनलॉक अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि इसमें फेस अनलॉक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की प्राइस की। सो गाइस, जो मोटो G6 प्ले है उसकी प्राइस होगी $199, यानी कि आपको तकरीबन इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 13,000 रुपए से स्टार्ट होगी। और सो गाइस, जो G6 की कीमत है वो होगी $250, अगर हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन डॉलर्स में तो वो 16,480 होगी, यानी कि 16,000 से स्टार्ट होगी इसकी। तो गाइस, जो G6 प्लस है, जो मेन फोन है, उसकी प्राइस होगी ₹19,738, और ये 24,000 तक जा सकती है। सो गाइस, प्राइस और सेगमेंट को देखते हुए जो ये इसकी प्राइस है वो काफी एक्सपेंसिव है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। देखते हैं कि इंडियन मार्केट में ये कैसी लेकर आते हैं प्राइस।
अगर ये इंडियन मार्केट में सही तरह से प्राइस लेकर आते हैं तभी ये टिक पाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो Xiaomi है वो इंडियंस नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है इंडिया का, उससे टक्कर लेनी तो इनको जो अपनी प्राइस में सुधार करना पड़ेगा। वैसे हम जानते हैं कि जो मोटो के फोन्स होते हैं इंडिया में वो थोड़ी कम प्राइस के साथ ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट इनसे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है इनके लिए। सो गाइज ये देखते वाली बात है कि सो गाइज बचे बट बैटरी का नहीं समझ आया कि जो मोटो G6 प्ले है उसमें आपको 4000 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है G6 प्ले में, यार मजाक है क्या। और G6 प्लस में आपको 5.99 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, और इसमें जो हमें बैटरी मिलती है वो 3200 की मिलती है, और जो मोटो G6 है उसमें आपको 3000 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है और जो वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सो गाइस ऐसा तो ये जो इनकी स्पेसिफिकेशन है वो गलत तरीके से इन्होंने यूज की है कि जिसमें बैटरी चाहिए थी उसमें बैटरी दी नहीं और जिसमें नहीं चाहिए थी इतनी उसमें दे दी। सो गाइस पता नहीं क्या करता है मोटो। सो गाइस मेरे कुछ ये ओपिनियंस थे, मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा जितना ये कुछ ज्यादा ही तीर मार रहे थे मोटो वाले। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, और साइज देखने वाली बात ये होगी कि ये इंडिया में किस प्राइस के साथ लॉन्च हो गए। सो गाइस अगर ये प्राइस इंडिया में यही प्राइस पर आते हैं तो ये मार्केट में नहीं टिक सकते। अगर ये इसकी प्राइस कम करते हैं G6 प्लस की या 15000 या 14000 रुपए कर देते हैं तो ये इसकी प्राइस अच्छी होगी, और बैटरी तो यार मुझे समझ नहीं आया। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।